हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार साउंड 24। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ TS9 एंड्रॉयड स्क्रीन, जो कि TS7 एंड्रॉयड स्क्रीन का अपडेटेड वर्जन है। उसका मैं आपको फुल डेमो देने वाला हूँ, तो लास्ट तक मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें। फ्रेंड्स, ये आपको जो दिख रहा है, ये मैन इंटरफेस TS9 एंड्रॉयड स्क्रीन का मैन इंटरफेस आपको दिख ही रहा होगा, जिसमें आपको फ्रंट पे एप्लीकेशन, रेडियो, वीडियो एंड ब्लूटूथ एंड एक्स्ट्रा थीम के साथ, थीम चेंज ऑप्शन के साथ आपको मिलेगा। फ्रंट आपको डिजिटल क्लॉक किलोमीटर पर आवर पे आपको मिलेगा, एंड म्यूजिक MP3 के लिए डायरेक्ट आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं TS9 स्क्रीन किस टाइप से। तो एंड्रॉयड वर्जन इसमें अपडेट होके आया है, 12 आपको एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा, एंड मेमोरी 2+32 GB के साथ, एंड सिस्टम प्लेटफॉर्म TS9, देन मॉनिटर इन्फॉर्मेशन, MCQ वर्जन, ये आपको इसमें सारा आपको देखने को मिल जाएगा। मेन जो आपको बताने वाली चीज़ है वो TS9 2+32 GB के साथ विद 12 एंड्रॉयड वर्जन के साथ आपको मिलेगा। बाकी स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल सारी सेटिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। एंड अदर वन, एक DSP आई थिंक चेंज होके आया है इसमें, DSP, डिजिटल DSP TS9, एंड ASP अल्टरनेटिव, एंड आप ये मैनुअल भी कर सकते हैं इसमें। ऊपर आपका दिया हुआ है न्यूज़, सेस, सिटी, पॉप, ये सारे इसमें दिया है। स्पीकर बैलेंसिंग का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, आप वो भी कर सकते हैं स्पीकर बैलेंसिंग। एंड अब मैं बात करूंगा आपका नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार एंड अदर प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई, अगर आपकी मेंबरशिप इसकी आपके पास होगी तो ये डायरेक्टली आप यहां से ऑपरेट कर पाएंगे। देन थीम चेंज का ऑप्शन है, ये TS9 में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, इसमें थीम चेंजिंग ऑप्शन दिया हुआ है TS9 में, यानी कि बहुत सारी थीम्स आई थिंक 15 to 20 इसमें थीम्स दी हुई हैं, जो आप इसको बारी बारी से आप इसको चेंज कर सकते हैं थीम्स को। और इंटरफेस पे आपका जो मेन इंटरफेस पे वो थीम आपके चेंज होके आ जाएगी। एक बार मैं थीम चेंज करके भी दिखा दूं आपको किस टाइप से थीम, अगर अभी ये वाली थीम्स लगी हुई है, अब मैं ये वाली चेंज करना चाह रहा हूँ, ओके किया एंड थीम चेंज, ओके। तो ये आपकी थीम चेंज होने हो गई है। वीडियो में देख लेते हैं क्लियरिटी क्या आपको क्लियरिटी मिलेगी इसमें। क्लियरिटी का तो कोई जवाब नहीं है, कंपैरिजन टू TS7 इसकी क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। आप देखिए तो इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रूव होके आई है TS9 में। एंड्रॉयड वर्जन चेंज हुआ है, 12 हो गया है, 2+32 GB भी हो गया है इसमें TS9 में, एंड TS7 में भी 2+32 GB अवेलेबल है, बट TS9 में, TS9 2+32 GB में ही लॉन्च हुआ है। तो ये इसकी वीडियो क्वालिटी है जैसा कि आपने देखा हुआ है। एंड प्ले स्टोर का ऑप्शन आपको पहले से ही मिल रहा है, प्ले स्टोर मिलेगा, गूगल मैप मिलेगा, एंड यूट्यूब, एंड अगर स्पीड की बात करें तो इसमें कुछ स्पीड भी इम्प्रूव होके आई है, जो यूट्यूब से कनेक्टिविटी, एंड आउटपुट पे भी कुछ बताया गया है कि आउटपुट भी इस कंपैरिजन टू TS7 इसका आउटपुट भी कुछ बेटर है। तो अगर आप अपनी गाड़ी में चेंज करना चाह रहे हैं तो मच बेटर ऑप्शन है कि लेटेस्ट वर्जन में ही आप अपनी गाड़ी में चेंज करें। और अगर प्राइस की बात करूं तो TS7 के प्राइस में ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा TS7 के कंपैरिजन में ये। एंड फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप कितनी मेमोरी कंज्यूम कर चुके हैं ये यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो बात करूं तो ब्लूटूथ, FM, USB, AUX, रियर व्यू कैमरा, फ़ोन लिंकिंग का भी ऑप्शन है, फ़ोन लिंकिंग, मिरर लिंकिंग टीमा ऐप के थ्रू, इसमें एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों ही आप कर सकते हैं इसमें।
तो ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड इम्प्रूव वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। तो अगर अपनी गाड़ी में आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।